दोस्तों, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का लड्डू ब्लॉग्स में। और आज है सोमवार और हम लोग फिर से निकल पड़े मंदिर के लिए, तो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे फिर साथ साथ भोलेनाथ के, तो बने रहिए ब्लॉग में। बाकी कुछ नहीं, हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर। और जब भी मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तो उसके द्वार पे पहले जो दर्शन होते हैं वो नंदी बैल के होते हैं, उसके बाद महादेव की दर्शन किए जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत टाइम बाद ही जो हमने को मिला आप सभी को, हम पूरे दर्शन कराएंगे। देखिए और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। महादेव के दर्शन कराने के बाद अब मैं दिखाती हूँ आपको पूरा मंदिर। यहाँ पे है गणपति बप्पा और पूरा मंदिर दिखाऊंगी मैं आपको, बने रहिए वीडियो में। और भगवान के नाम पे एक एक लाइक करते हुए जाइए, और ना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को, और बिना लाइक किए मत जाइएगा। यहाँ कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं चोरी छिपे लेके गई हूँ, तो पूरा साफ साफ दिखेगा नहीं, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। आप लोगों के दर्शन के लिए मैं चुपचाप से फ़ोन पर्स में डाल के कैमरा ऑन करके लेके आई हूँ अंदर। मैं
मंदिर में हम लोगों ने दर्शन कर लिए, पूजा कर ली, अब हम लोग निकलने घर के लिए। मम्मी और भाई शु और शायद वो आए हम लोगों को लेने के लिए, कह तो रहे थे आएंगे, आए नहीं आए, देखते हैं गेट के बाहर, फिर दिखाते हैं हम आपको। भाई शु की शैतानी चलते फिरते शैतानी करती रहती है। चलो बाबा घर को चलो, बग बग बग, चप्पल गए आपके, चप्पल कहाँ उतारी थी हमने, उधर उतारी है, देखो दादी के पास जाओ। देख दादू आ गई ना लेने, मंदिर से मैं बोली थी शायद बुआ है हमें लेने, तो लोग आए हुए हैं, कब से पता नहीं कब से बैठे हैं इंतजार में, हम लोग लेट हो गए आज। नो हमारी गाड़ी तैयार है, ये पकड़ ली हमने अपनी सीट और हम लोग निकल गए घर को। भाई शु ओ बबले जे जे भगवानी है इधर। मंदिर से पहुंच चुके हैं हम रूम पे, अब मैं सुलाती हूँ भाई शु को और थोड़ी देर में भी आराम करती हूँ, फिर मिलते हैं हम आपको। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मेरा खाना बनना शुरू हो गया है। ये मैं बना रही हूँ भट की सब्जी लोहे की कढ़ाई में, और साथ में मैंने बनाए हैं आलू, और अब मैं बनाऊंगी पकौड़ी और थोड़ी पूरी और चावल। ज़्यादातर हमारे घर में शाम को सभी चावल खाना पसंद करते हैं, दिन में हम चावल नहीं बनाते क्योंकि सब ड्यूटी वाले रहते हैं, तो इसलिए शाम को जब सब घर आता है उसके बाद ही चावल बनता है, इसलिए शाम को हमारा ज़्यादातर चावल ही बनते हैं। तो मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी, मम्मी और माई शू गए हैं घूमने के लिए, तो मैं भी जाती हूँ उनके पास हल्की आँच पर खाना छोड़ के, थोड़ी देर में आऊँगी फिर बनाऊँगी आगे का खाना। ये है हमारे घर के पास का मंदिर, और माइशु यहाँ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, आजकल ज़्यादातर हम उसको यहीं लेके आते हैं खिलाने के लिए। और ये रही माइशु, क्या कर लो बाबू इधर, क्या कर लो, गल में अच्छा नहीं लगता क्या, मिला जो क्या है ये, कहाँ से लेके आया, कहाँ से लाया, गंदी बात है, से हर चीज़ नहीं उठाते, छे छे। खाना तैयार है, ये मेरी भट की सब्जी है, साथ में पकौड़ियाँ, और साथ में मैंने यहाँ पे बनाई हुई है पूरियाँ, और उसके साथ है आलू, और ये फिर से है भट की सब्जी, एक में छाँच डाला हुआ है, एक सूखी सब्जी है, और इसी के साथ यहाँ पे है सूजी का हलवा, और इसी के साथ है चावल, और इसी के साथ ये समाप्त होता है और हम इन्जॉय कर रहे हैं अपनी पकौड़ी। दोस्तों सभी लोगों ने खाना ना खा लिया, सभी अपने रूम पे चले गए, काम भी खत्म हो गया और हो गया सोना। आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।